दोस्तों, मकर संक्रांति को सूर्य के संक्रमण का त्योहार माना जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल विशेष को ही संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष में सूर्य को नव ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करता है। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। इस तरह साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही करीब एक महीने से जारी खरमास समाप्त होता है और रुके हुए सभी शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता है और यही एक पर्व है जिसे पूरे भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग बोलियां बोलते हैं। उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसके मनाने के तरीके भी थोड़े बहुत अलग होते हैं। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति या संक्रांति, उत्तरायण, खिचड़ी संक्रांति, हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव मनाया जाता है तो पूर्वोत्तर में देहूं की धूम होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का ये शुभ पर्व सूर्य देव और शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन शनि भगवान की विधि विधान से उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान, व्रत, दान, पूजा आदि करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। ये ऋतु में परिवर्तन का भी प्रतीक है और साथ ही शुभ कार्य का आरंभ होने का भी संकेत देता है। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिनों की गणना भी की जाती है। सूर्य दक्षिणायन रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि के रूप में माना जाता है और जब सूर्य 6 माह के लिए उत्तरायण हो जाते हैं तो उस समय से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है और उसी समय से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ किए जाते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भीष्म ने मोक्ष पाने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस बार मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से 4th, 6th, 9th, 10th, 13th, या 20th में होता है। कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता है, वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, व्यक्ति दान और सहयोग भी करता है। रवि योग सभी दोषों को नष्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। खासकर इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन घी व कंबल के दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय सूर्यदेव। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उबटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तिल अवश्य डालें, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ओम आदित्य विदमहे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें।
इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन मां सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल, नए वस्त्र भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप तिल से मिश्रित भोजन करें। इस दिन लोग घरों में खिचड़ी बनाकर भी खाते हैं और घरों में तिल और गुड़ के पकवान भी बनते हैं। पितरों की शांति हेतु जल से भरे हुए लोटे में काले तिल डालकर तर्पण करें। मकर संक्रांति के दिन ही राजा भागीरथ ने अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रभावित करना शुभ रहता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन उड़द, चावल, तिल, चूड़ा, गौ सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि का दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन के दान को महादान की श्रेणी में कहा जाता है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को यथासंभव भोजन करवाएं। इससे कभी भी आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं होगी। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तेल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत और श्रीदेवी भागवत पुराण में वर्णित है। दोस्तों, सूर्य देव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की दो पत्नियां और 10 संतानें हैं, जिसमें से यमराज और शनि देव जैसे पुत्र और यमुना जैसी बेटियां शामिल हैं। दोस्तों, मनुस्मृति के रचयिता बेबस मत मनु भी सूर्य पुत्र ही है। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संध्या के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे शनि और छाया ने क्रोधित होकर सूर्य देव को कुष्ठ रोग बाधित होने का श्राप दे दिया। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज जी ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्य देव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज और छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्य देव ने शनि महाराज के घर कुंभ, जिसको शनि की राशि भी माना जाता है, उसको जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए और उन्होंने देखा वहां पर सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना होगा, मैं शनि के घर को अन्न धन से भर दूंगा। तो तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसलिए शनिदेव को तिल अत्यंत प्रिय है। इस घटना के बाद से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। दोस्तों, शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन इन कुछ चीजों का ध्यान भी अवश्य रखें। वैसे तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे सभी नियमों का पालन तो करते ही हैं, मगर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान और पूजा करने से पहले भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ भी आप खाए या पिए, इस दिन किसी गरीब, भिखारी, जरूरतमंद को घर से खाली हाथ भेजने की गलती ना करें। मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाते हैं। इस दिन सात्विकता बनाए रखें, क्रोध ना करें, कलेश कलह ना होने दें, किसी को अपशब्द ना कहें, झूठ ना बोले, बड़ों का आदर करें, किसी भी गरीब का, किसी कमजोर का, गाय आदि पशुओं का अनादर ना करें। इस दिन सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज ना खाएं, मांस मछली मदिरा आदि से दूर रहें। इस दिन सोने चांदी जैसी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही फलदायक माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। विशेष रूप से आप इस दिन मां लक्ष्मी के चरण पादुका घर पर लाएं, कमल गट्टे की माला लाए, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सुपारी, इलायची चढ़ाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें।
ऐसी कुछ खाने की खास चीजें जो आप माँ को अर्पण करते हैं और प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ अगर ग्रहण करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन की वर्षा करती है। दोस्तों, अब ये बात तो सर्वशुद्ध है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं और रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं, तो तिल गुड़ के लड्डू आप महालक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और रिश्तेदारों में बांटें। इससे महालक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति में सुलभता आती है। आपकी तिजोरी में साल भर धन का आगमन होता रहता है। आपकी नौकरी व्यवसाय में अगर दिक्कतें आती हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ अड़चनें आती रहती हैं, तो इस उपाय से वो सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। व्यापार में तरक्की होगी, क्योंकि तिल गुड़ का इस दिन सेवन करना, दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। दूसरा व्यंजन है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, खिचड़ी का दान अवश्य कर दें। इस खिचड़ी का भगवान सूर्य को भोग लगाएं और गरीब जरूरतमंद लोगों में इस खिचड़ी को वितरित जरूर करें। घर आए मेहमानों के साथ, परिवार के साथ इसे ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत ही लाभदायक और शुभकारी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इससे माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला और अंगूर जरूर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें और मेहमानों को भी खिलाएं। अगर परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे संक्रांति के दिन अभिजीत मुहूर्त के समय इन फलों का प्रसाद जरूर खिलाएं। काफी ज्यादा हद तक बीमारी से राहत मिल जाती है। अपने पितरों देवों को प्रसन्न करने हेतु आप इस दिन उनके नाम से पूजा स्थल पर केला जरूर अर्पित करें। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृ दोषों में कमी आ जाती है। दोस्तों, अगली चीज जिसको खाने से घर में सदैव मां लक्ष्मी जी वास करती है और वो है नमक। वैसे तो आप खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल के साथ घी और नमक का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खा लेना चाहिए। तो हाथ में थोड़ा सा नमक लें और इसे खा लें और इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेंगी। घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। नौकरी व्यवसाय में अच्छे लाभ होंगे, धन के नए स्रोत बढ़ेंगे, आश्चर्यजनक रूप से अचानक आपको धन लाभ होगा, आपके कार्य भिन्न तरीके से पूर्ण होंगे। इस दिन नमक का सेवन बहुत ही शुभ फलदायक होता है, इसलिए नमक का सेवन हर हाल में करें। दोस्तों, पांचवीं चीज जो बहुत ही लाभदायक होती है और वो है शकरकंद। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को शकरकंद का भोग जरूर लगाएं, फिर इसे स्वयं खाएं और अपने घर के पूरे सदस्य को खिलाएं। शकरकंद खाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। इस दिन शकरकंद खाना बहुत ही लाभकारी होता है। इससे धन धान्य में कभी नहीं आती कमी, संपन्नता आती है सदैव घर में, सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इन सब के साथ ही इस दिन चना, मूंगफली, बेल का फल, अमरूद इत्यादि का सेवन और दान भी शुभ फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा स्थान के साथ ही अपने मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं और इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। महिलाओं को मकर संक्रांति के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और ये प्रेम और सद्भावना का पर्व है तो गलती से भी क्रोध ना करें। इससे आपका मन भी खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। इस दिन चाहे घर के अंदर या बाहर पेड़ों की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिन दान पुण्य भी करना अत्यंत लाभकारी है। इस दिन हर मनुष्य को दान करना चाहिए, कुछ ना कुछ गरीबों में दान जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और जीवन भर हमें सुख शांति मिलती रहती है। तो इस दिन अगर आपके घर पर भिखारी, साधु या कोई बुजुर्ग या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाए। पड़ोसियों को भी कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भोजन कराना बेहद शुभ माना जाता है। संक्रांति के दिन गाय को चारे के साथ गुड़ खिलाना चाहिए। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। माना जाता है किसी गौशाला में 14 गुड़ की ढेलियां लेकर जाएं
और चारे के साथ गाय को खिलाते समय गाय के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गौमाता में बसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस मकर संक्रांति पर ये उपाय जरूर करें। घर परिवार में खुशियां और संपन्नता सदैव बनी रहेंगी।